गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। इज डूइंग वेल स्टूडेंट्स, एज यू आर अवेयर दैट टुडे आवर ऑनररी गेस्ट शेफ राहुल सिंह नेगी, ही इज अ एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ रिवाइवल लॉर्ड्स बड़ौदा। ही विल शेयर हिज व्यूज एंड हेल्प अस टू एक्सपांड आवर नॉलेज ऑन HACCP फूड सेफ्टी एक्ट यूज इन होटल इंडस्ट्रीज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोगों की आवाज मेरे पे नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप अपने आप को म्यूट से हटा दीजिए, एक्चुअल में आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। हेलो ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज के जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आपके लिए वो है HACCP, है ना? आप लोगों ने इससे पहले HACCP का नाम सुना है? HACCP क्या है? हेलो, आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है, कंटिन्यू नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर। होस्ट ने हम सबको म्यूट कर रखे है, लाइक होस्ट आई थिंक धर्मेश सर है। ओके, हां नहीं, अभी तो अनम्यूट कर दिया सबको। ओके ओके ओके। हाँ, अभी शेफ ने पूछा, उसका जवाब तो दो। HACCP क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ HACCP, शेफ का जवाब तो दो। एनीबॉडी, व्हाट इज द HACCP यू से फॉर दैट? यू कैन से अक्षय आल्सो आंसर फॉर दैट। एनीबॉडी आंसर फॉर दैट HACCP? Hazard analysis control critical point, sir. Analysis critical control point. ये तो बोल देना चाहिए फटाफट, सेफ ने पूछ रहा। सर म्यूट थे हम लोग, इसके लिए वी कैन नॉट आंसर। ओके ओके, सेफ यू कैन कंटिन्यू शेयर। ओके, तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है HACCP की फुल फॉर्म क्या है, इसके जो 7 प्रिंसिपल है ये किस तरह से काम करता है, ये कैसे कैसे काम करता है, ये कहाँ से शुरू हुआ था, है ना, और ये किस तरह से इंडिया में आया। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है। तो सबसे पहले हम HACCP की फुल फॉर्म करेंगे कि हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो ये हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की भी फुल फॉर्म है, वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो ये सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ था, किसी को पता है? नहीं सर। ये सबसे पहले नासा से शुरू हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था नासा में 1916 में। तो उस टाइम ये HACCP के बारे में, मतलब जो था ये रेडी किया गया था, जो वहां पे जो उनके मिलिट्री के जो लोग थे, ताकि उन तक सेफ फूड कैसे पहुंचाया जाए। तो उस समय पे ये HACCP के ये शुरू हुआ था। तो ये एक प्लेन के रहता है, जो जहाँ से आर्मी को खाना ले जाना था, ये उनको हेल्दी फूड कैसे लेके जाए, HACCP शुरू हुआ था, है ना? ये नासा में सबसे पहले शुरू हुआ था। और ये जो पार्सल फूड है, इस तरह से दूसरे लोगों तक, मतलब दूर कैसे लेके जाए, किस टेम्परेचर में हम खाना को बनाए, किस टेम्परेचर में हम खाने को रखें,
या किस टेम्परेचर में हमारा किचन का क्या टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, हमारे पास जो भी फूड आ रहा है उस पे ऑलरेडी वो हैजर्ड रहता है, मतलब ऑलरेडी उस पे बैक्टीरिया पहले से ही रहते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंडिया में आया थे, तो ये उस ब्रांच का नाम है, है ना। तो उसके बाद जब इंडिया में 2001 में जब ये आया था, तो उस टाइम पे ये रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे हर किसी के लिए, जो भी फूड पार्सल रहेगा या फूड का कोई भी, अगर जैसे कोई होटल रहता है या रेस्टोरेंट रहता है कुछ भी रहेगा, तो उस टाइम पे ये HACCP कंपल्सरी हो गया था, ये कोई भी अगर फूड के बिजनेस करेगा तो उसको HACCP फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके ओके श्रेया, HACCP 7 प्रिंसिपल में काम करता है। कनेक्ट ए हैजार्ड एनालिसिस, तो इसका पहला प्रिंसिपल है कनेक्ट ए हैजार्ड एनालिसिस, जो दूसरा है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, जो तीसरा है स्टेबिलिटी क्रिटिकल लिमिटेड, जो चौथा है वो है मॉनिटर CCPP, जो पांचवा है स्टेबल क्रिटिकल एक्शन, जो छठवां है वो है वेरिफिकेशन, जो सातवां है ये है रिकॉर्ड कीपिंग। ये जो 7 इसके प्रिंसिपल है, इस 7 प्रिंसिपल से पूरा किचन चलता है, और इसी 7 प्रिंसिपल के अपना हेसअप चलता है। ये जो हेसअप है ये हमारे जो इससे भी ये रेडी ही पहले से ही, जो COVID-19 में अब जो हमारे पास रूल रेगुलेशन आएंगे वो ऑलरेडी हम पहले से ही करते थे ये सब, तो ये भी COVID-19 भी मतलब इसी से ही होके जा रहा है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस शेफ। ओके ओके, तो हमारे ये 7 प्रिंसिपल मैंने जो आपको बताए हैं, ये 7 प्रिंसिपल है, ठीक है। अब है सब काम कैसे करता है, है सब, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हैजार्ड है क्या। तो हमारे पास पूरे उस पे 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक बायोलॉजिकल, एक फिजिकल एंड एक केमिकल। जो बायोलॉजिकल बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं मतलब कोई भी, मतलब हम जो जैसे कोई वेजिटेबल लेते हैं या कुछ लेते हैं, तो एक बायोलॉजिकल बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, जो भी उसमें मतलब तब उसको हम कोई सुमा टाइप में डाल के 10 लीटर वाटर में एक टेबलेट सुमा टाइप की डाल दी, तो उसमें हम वॉश करते हैं, तो ऑलरेडी बायोलॉजिकल बैक्टीरिया। जो केमिकल बैक्टीरिया है वो जैसे स्प्रे हो गया, क्लीनिंग के टाइम पे हो गया, वॉशिंग हो गया, लिक्विड हो गया, फ्यूल हो गया, ये केमिकल बैक्टीरिया है। जैसे किया तो बाद में इसको सैनिटाइजर भी कर ले, है ना, तो ये केमिकल बैक्टीरिया रहते हैं। और ये और तीसरा होता है फिजिकल बैक्टीरिया। जैसे फिजिकल बैक्टीरिया में जैसे हमारे हेयर हो गए, नेल्स हो गए, एंड ह्यूमन्स बॉडी का जो भी रहता है वो हो गया फिजिकल बैक्टीरिया। अभी जो COVID-19 चल रहा है इसको भी एक फिजिकल बैक्टीरिया बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के टच होने से, है ना, जैसे फ्लू लग जाना हो गया, तो ये क्या हो जाता है, एक फिजिकल बैक्टीरिया रहता है। तो पूरे उस पे हम बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले हमें हैसअप को जानने से पहले कि हैसअप काम कैसे करता है, तो हमें पहले बैक्टीरिया के बारे में जानना पड़ा कि बैक्टीरिया हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम हैसअप के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट रहे बीच में तो आप वो भी पूछ सकते हो, है ना, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो मेरे को बेसिकली पूछ लेना, कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप एक बार पूछ लेना। हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये काम कैसे करता है, हैजार्ड क्या है, हैजार्ड सिर्फ ओनली फॉर हैजार्ड
डेंजर टू हेल्थ। हैजार्ड ऑलरेडी पहले अपने आप में ही एक बैक्टीरिया है। एग्जांपल के लिए हम बाहर से हमने दाल ली, ठीक है, तो हम जब दाल घर में लेके आते हैं तो ऑलरेडी उस पे बैक्टीरिया रहते हैं, तो डेंजर टू हेल्थ है, ठीक है। उसके बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं, इन्विगेशन ऑफ द हैजार्ड, मतलब हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं, हम लेके आए उसको, हमने उसका एफएसआई का मार्क देखा, देन उसके बाद देखा कि एक्सपायर हुआ कि नहीं हुआ, तो हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो हम कुछ भी सामान अगर खरीद के लेके आ रहे हैं, मिल्क लेके आ रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लेके आ रहे हैं, तो ऑलरेडी पहले तो डेंजर टू हेल्थ है, तो वो है एच की फुल फॉर्म, मतलब हैजर्ड की फुल फॉर्म है डेंजर टू हेल्थ। हमने दाल ली तो ऑलरेडी उसमें पहले से ही बैक्टीरिया है, फिर हम उसको एनालिसिस करेंगे कि हम उसको प्रॉपर ढंग से देखेंगे, प्रॉपर चेक करेंगे कि हम इसको कैसे करें, इसको क्या कैसे कैसे एनालिसिस करें। फिर आता है क्रिटिकल, तो क्रिटिकल का हम काम कैसे करता है, क्रिटिकल फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसपे क्या होता है, हमने उसको एक क्रिटिकल जगह में रखा कि हम अब इसको लाने के बाद हमने दूध है, दूध को लेके आ गए, उसको देखा उसके एक्सपायरी डेट नहीं है, सब कुछ है, तो हम उसको अब कहाँ पे रखेंगे, उसको धूप पे तो रख नहीं सकते या फिर बाहर छोड़ नहीं सकते, उसको एक पॉइंट देंगे कि उसको फ्रिज में रखेंगे या उसको गर्म करेंगे या वो करेंगे, ठीक है। अगर माना कि हमने दूध को गर्म करने के लिए रखा, तो उसके बाद आता है कंट्रोल कि हम उसको हैंडलिंग कैसे करेंगे, हम उसको कितने टेम्परेचर में गर्म करेंगे, है ना, हम उसको कितना बॉयल करेंगे उसको, और उसके जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, 75 डिग्री से ऊपर उसको बॉयल करना पड़ेगा ताकि जो उसके बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया खत्म हो जाए, है ना। फिर पॉइंट्स आता है, तो पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, मतलब उसको एक पॉइंट दे देते हैं कि अब दूध उबल गया है हमारा, ये सब कुछ सही है एकदम, हम दूध लेके आए, दूध को हमने उबाल दिया, एक क्रिटिकल उसको दिया, एक कंट्रोल में लेके आए दूध को, फिर उसको एक पॉइंट दे दे कि हाँ हम अब इस दूध, ये दूध हमारे लिए सेफ है, दूध में उबाला आ गया, ठीक है, 100 टेम्परेचर से ऊपर उसको बॉयल किया, तो उस पर क्या आ गया, अब एक उबाला आ गया, ठीक है, बॉयल हो चुका है दूध, तो अब हमारा वो दूध एकदम सेफ है। तो हमने सब कुछ देखा, उसको पहले हैजार्ड था, पहले डेंजर टू हेल्थ था, ठीक है, डेंजर टू हेल्थ से उसको एनालिसिस किया हमने, एनालिसिस के करने के बाद उसके उसको क्रिटिकल किया, इसका क्या करना है, फिर उसको कंट्रोल में लेके आए, ठीक है, और फिर उसको एक पॉइंट दिया कि अब ये हमारे पास सेफ है, तो उसके बाद उसको पॉइंट दिया। तो पूरा जो किचन चलता है, पूरा किचन का जो इन्वायरमेंट रहता है, वो पूरा हैसअप में चलता है, मतलब हैसअप के बिना किचन नहीं चल सकता, ठीक है। तो आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है अभी तक? सर एचएससीसीपी के रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, ओके, अबाउट योर जर्नी के रिलेटेड है, सॉरी आपके जर्नी के रिलेटेड है क्वेश्चंस मेरे पास, तो आप ओके, आप पहले हमें एक्सप्लेन कर दीजिए एचएससीपी के रिलेटेड और देन वी स्टार्ट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये पूरा एचएससीपी की मैंने फुल फॉर्म बताई आपको, उसको कैसे कंट्रोल में करना है, किस तरह से कंट्रोल में करना है, और इसको किस तरह से, मतलब हम इसका काम करते हैं, ठीक है। अभी जो कोविड-19 है, कोविड-19 में हम जब इसके बाद होटल इंडस्ट्री फिर से चालू होगी या रेस्टोरेंट चालू होंगे, तो उस पर हम जो भी फूड लेंगे, मतलब बाहर से कुछ भी परचेज करेंगे, तो हम उसे जिस तरह अभी बोलते हैं ना कि इसको उस पर रखना पड़ेगा, 14 दिन के लिए रखना पड़ेगा, क्वारंटाइन सेंटर में रखना पड़ेगा, ऐसे ही हम उस पर अभी जो भी फूड लेंगे, हम बाहर से माना कि दाल लेते हैं, राइस लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी फूड लेंगे, तो उसको हमें 72 आवर्स रखना ही पड़ेगा, है ना। मिल्क है, मिल्क को भी रखना पड़ेगा, है ना, नॉनवेज है, नॉनवेज को भी रखना पड़ेगा। अभी जैसे किचन में कैसे पहले कि कोई भी आ जाता था, कोई भी जाता था, तो अभी वो सब कुछ जैसे बंद हो जाएगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का रखना पड़ेगा, है ना, हर किसी रेस्टोरेंट में भी रहेगा,
तो वहां पे भी रेस्टोरेंट के अंदर भी HSCCP मेन रहेगी। कुछ और क्वेश्चन है? बस कुछ ही है। यस सर। गुड मॉर्निंग सेफ एंड ऑल ऑफ यू। मायसेल्फ राजेश दास एंड आई एम अ फूड प्रोडक्शन स्टूडेंट ऑफ लास्ट ईयर 2019। माय क्वेश्चन इज would you like to share something about your journey in shortcut, like how long did it take you to come on this position? आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है, मतलब थोड़ा बीच पे। शेफ ये पूछ रहा है ये आपका जो जर्नी था एग्जीक्यूटिव शेफ का, मतलब कहाँ तक का, कैसे स्टार्ट किया और कहाँ कैसे आप एग्जीक्यूटिव शेफ बने, तो उनका स्टूडेंट्स का एक मोटिवेशन रहेगा, तो दे आल्सो दैट फॉलो यू, आपको भी फॉलो करेगा। जय आपको। राइट नाउ आप एग्जीक्यूटिव शेफ है एक पोस्टर होटेल्स में, तो आपका जो ये जर्नी हुआ एग्जीक्यूटिव शेफ तक पहुंचने के लिए, तो आप कैसे तैयार किया, क्या क्या एक्सपीरियंस गैदर किया, कितना मेहनत किया, क्या क्या किया, तो इसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। सम बेसिक पॉइंट्स। एक्चुअल में जो मेरी जो जर्नी रही है, मेरी जर्नी अभी तक की 15 इयर्स हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री को मैं 15 इयर्स दे चुका हूँ ना। तो मेरी जर्नी रही है, पहले मैंने होटल मैनेजमेंट किया था देहरादून से, है ना, देहरादून से। उसके बाद करने के बाद मैंने HOT की थी, कोई जॉब ट्रेनिंग करता है देन कोई HOT करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 ईयर की HOT की थी, ठीक है। उसके बाद मैं थर्ड कॉमी में था, तो जब मैं थर्ड, मेरी जो जर्नी की स्टार्ट हुई थी वो पंजाब से हुई। तो पंजाब में एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, तो वहां से मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई थी। तो वहां पे मेरे को थर्ड फर्स्ट जॉब मिली थी मेरे को, है ना। तो उस टाइम पे क्या है, हार्डवर्क बहुत ज्यादा था, है तो अभी भी, पर उस समय कुछ ज्यादा ही हार्डवर्क होते थे, क्योंकि उस टाइम रेस्टोरेंट कम होते थे देन होटल्स कम होते थे। तो इस वजह से क्या होता था, मतलब हार्डवर्क कुछ ज्यादा ही होता था होटल लाइन में। तो अभी तो मतलब सब पहले के टाइम में ऐसा रहता था कि मतलब थोड़ा मतलब पढ़े लिखे थोड़ा कम होते थे, अभी के टाइम में तो हर कोई मतलब पढ़े लिखे हैं, तो टाइम के पढ़े लिखे कम होते थे। तो मतलब इस तरह से क्या होता था, मतलब ड्यूटी आवर्स 15 घंटे 16 घंटे इस तरह से रहते थे। तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब मेरा मन किया था कि अब मैं इसे छोड़ दूँ, होटल इंडस्ट्री छोड़ दूँ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं अभी तो मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ती है, अभी भी करनी पड़ती है, बाद में भी करनी पड़ेगी, दूसरे इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसमें भी करनी पड़ेगी, है ना। तो धीरे धीरे मेहनत करते गए, है ना। ड्यूटी आवर्स हमेशा 12 घंटे 14 घंटे हमेशा ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रहा है, जर्नी काफी हार्ड रही है मेरी। और बाद में फिर उसके बाद सेकेंड कॉमी में फिर मैं जो मेरा बेस है वो है जैसे कबाब, मैं पहले कबाब फैक्ट्री में काम करता था, है ना, बिरयानी में था मेरा, इंडियन कुजीन था मेरा, है ना। तो उस तरीके से काम करते थे। और अभी तो अभी के जो होटल इंडस्ट्री है उस पर क्या है, सब कुछ है, मतलब जैसे एग्जॉस्ट फैन है, प्रेशर है, है ना, तो सब कुछ है। तो पहले के उस पर क्या है, इतना प्रोवाइड नहीं करती थी कंपनी, तो उस टाइम मतलब ज्यादा ही हो रहता था। पर आपके जो आप लोगों का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो बेस्ट है, क्योंकि इस समय होटल इंडस्ट्री मतलब बहुत अपग्रेड कर चुकी है, है ना। सिर्फ आपने येलो चिल्ली कंपनी में भी काम किया, मतलब येलो चिल्ली जो चेन प्रॉपर्टी उसमें भी काम किया? नहीं, मैंने येलो चिल्ली में काम नहीं किया, मैंने कबाब फैक्ट्री जैसे रेडिसन ब्लू में काम किया है, देन उसके बाद मैंने एक ग्रुप प्रॉपर्टी में काम किया है, कीज ग्रुप की प्रॉपर्टी में काम किया है, टमाटा में काम किया है, और उसके बाद मैं अनंता ग्रुप में काम किया है ना, फॉर्चून ग्रुप में काम किया है, और भी होटल है मेरे, टोटल मतलब 13 होटल्स में मैं काम करता हूँ। सिर्फ 15 साल के अंदर आपने 15 साल के अंदर मतलब 13 मतलब 13 होटल्स में कैसे मतलब जॉब कर लिया और प्लस एग्जीक्यूटिव से? पहले क्या ऐसा था कि मतलब 1 ईयर मैं करता था काम, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ जाती थी मेरे पे अच्छी सी, तो इसलिए इससे क्या मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी चेंज हो गया। सिर्फ आपने इस ग्रुप में मैं पिछले 2 साल से हूँ। थैंक यू सर।
सिर्फ मेरे को मतलब आपसे कुछ एक रेसिपी जाननी थी. सिर्फ मैं जब भी क्रैब बनाता हूँ तो उनका येलो कलर आ जाता है. लाइक मैं ना कुछ उसमें कुछ डालता हूँ, ना हल्दी ना कुछ, फिर भी तो ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर ऐसा होता क्या है क्रैब के अंदर जो येलो कलर आ जाता है? देखो, आप जब भी क्रैब बनाते हो ना, तो उसका ऑलरेडी अगर आप उसको किस तरह से बनाते हो, मतलब ग्रिल करके बनाते हो या बॉयल करके, क्या करते हो आप, प्रोसीजर क्या है आपका? मैं ग्रिल करता हूँ मोस्टली, या तो तंदूर में मैं रोस्ट कर लेता हूँ, तो येलो कलर आ ही जाता है. ओके, तो अगर आपको हल्का उसको येलो कलर नहीं लेने, तो आप उसको हल्का सा पहले ब्लांच कर लो, क्योंकि जो उसका जो उसकी स्किन है, जो उसका कलर है, वो ऑलरेडी वो रहेगा येलो ही, हल्का येलो या हल्का ऑरेंज कलर का रहता है. पूरा येलो भी नहीं बोल सकते उसको, लाइट ऑरेंज रहता है, मतलब लाइट ऑरेंज और येलो के बीच में रहता है वो. जैसे प्रॉन्स है, आप प्रॉन्स को भी डायरेक्ट अगर कुक करोगे, उसके पीछे सिलफ अलग हो, तो उसपे ऑटोमेटिकली वो ऑरेंज कलर या लाइट येलो कलर ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो आप उसको हल्का सा अगर पहले से ब्लांच करोगे हल्का सा, तो शायद वो कलर नहीं आएगा आपका, तो वो व्हाइट ही रहेगा. इफ यू डोंट माइंड, आई नीड योर सजेशन, कैन यू सजेस्ट मी? ओके सर, एक्चुअली ना आई एम वर्किंग नाउ इन अ रेस्टोरेंट लाइन, एंड आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड होटल मैनेजमेंट. ओके, एंड मैंने जो अपना इंडस्ट्री ट्रेनिंग कम्प्लीट किया था, वो मैं एशिया का फर्स्ट इकोटेल 5-स्टार होटल से किया है. ओके, और मैं अभी चाहता हूँ कि मैं होटल के अंदर मतलब अप्लाई करूँ जॉब के लिए, होटल में जॉब करूँ 4-स्टार और 5-स्टार. ओके, सो मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है इंडियन तंदूर और थोड़ा बहुत चाइनीज का भी. Okay. मुझे कौन सी पोजीशन और क्या सैलरी एक्सपेक्टेड रखनी चाहिए होटल से? आपको आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है? यस. Yes. तो आपने 4 इयर्स मतलब कौन से डिपार्टमेंट में काम किया? डिपार्टमेंट होगा ना आपको? यस सिर्फ मैंने 3 डिपार्टमेंट में काम किया है, तंदूर में भी किया है, इंडियन में भी किया है और चाइनीज में भी किया है. और मैं अभी जो मेरा पोजीशन है रेस्टोरेंट के अंदर, वो okay. है असिस्टेंट शेफ का पोजीशन है, ऑलराउंडर असिस्टेंट शेफ का. ओके ओके, तो उस पे क्या होता है कि आपको पहले तो अपना एक बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन में ऐसा चलता है कि ऑलराउंडर ठीक है, बट होटल लाइन में कैसे रहता है कि आपको एक बेस बनाना पड़ेगा कि आप चाइनीज के शेफ हो या पेंट्री के शेफ हो या इंडियन के शेफ हो, है ना? तो आपको फूड ट्रायल देना पड़ेगा. तो उस टाइम पे उस समय ये नहीं बोलेंगे कि आप इसका भी ट्रायल दे दो, उसका भी ट्रायल दे दो, उसका भी ट्रायल दे दो. तो पहले एक मेन बेस बनाना पड़ेगा. जैसे माने कि मैं अपना लेता हूँ, तो मेरा करी एंड कबाब का बेस है ना? बाकी काम सब आते हैं, बट एक जो बेस है, उस बेस के ही सारे हम आगे बढ़ते हैं. तो होटल लाइन में कैसे रहता है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वो रहते हैं, सेफ रहेंगे. तो आपको एक पहले बेस बनाना कि आप एक्सपर्ट किस पे हो, चाइनीज में हो, इंडियन में हो या तंदूर में हो. यस सिर्फ एक्चुअली मैंने अपना बेस भी बना लिया है, इंडियन और कबाब, करी और कबाब बहुत. ओके हाँ, तो आप जैसे उसके लिए बेस बना दिया, तो आप जब कभी अप्लाई करोगे, तो आप अप्लाई करोगे कि मैं इंडियन और कबाब का शेफ हूँ, मतलब मेन इंडियन का शेफ हूँ मैं, मतलब, है ना? तो आपको फिर वो ट्रायल के लिए बुलाएंगे, वहाँ पे आपका ट्रायल चेक करेंगे, आपका जो लिस्टर्चर है पहले का, आपका सैलरी स्लिप देखेंगे वहाँ पे, और जितने भी प्रॉपर्टी में आपने काम किया है वो वहाँ पे वेरीफाई करेंगे उसको. तो जो आपका लास्ट जो सैलरी स्ट्रक्चर है, तो जो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन या फिर कंपनी की क्या क्या पॉलिसी है, उस हिसाब से फिर आपकी सैलरी का वो रहेगा. रेस्टोरेंट और जैसे मैंने रेस्टोरेंट में किया है, तो कोई मैंने नहीं रखते ना, तो कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाले है ना होटल के अंदर कि इन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर काम करके आया? हाँ जी सर. नहीं, मतलब में क्या होता है, रेस्टोरेंट से होटल में आना टफ होता है और होटल से रेस्टोरेंट में जाना बिल्कुल भी टफ नहीं होता है. पर आप अगर जब रेस्टोरेंट से होटल में आते हो, तो आपको कई चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है. अगर मैं डीपली जाऊं, तो जैसे सैलरी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, आपका मतलब किस तरह से, मतलब रेस्टोरेंट में काम करने का तरीका अलग होता है और होटल में काम करने का तरीका अलग होता है. तो सब कुछ क्या रहता है, अलग अलग रहता है. तो इसमें से क्या मतलब, या तो पहले से ही होटल एंड बेस्ट है, रेस्टोरेंट भी बेस्ट है, उस पर सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, बट
hotel industry that good. Yes. Hello? Sir, अगर मैं जाता हूँ, if I go for the trial, तो which types of dish we should make when we go for trial? Okay, तो सबसे पहले आपको क्या है, आपका पहले मेन्यू प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको. Yes. किस तरह से, मतलब आप वहाँ पे मेन्यू मेन्यू बना के जाओगे, क्या पता वहाँ पे वो चीज अवेलेबल हो या ना हो, है ना. और फिर वहाँ पे जाने के बाद मेन्यू चेंज भी हो सकता है, तो अपने दिमाग में हमेशा दो या तीन मेन्यू लेके ही जाने पड़ते हैं. आप किसी भी प्रॉपर्टी में जा रहे हो, कहीं भी अगर ट्रायल देने के लिए जा रहे हो किचन में, तो वहाँ पे आपको दो या तीन मेन्यू, अगर आपके दिमाग में कुछ है, शायद वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल ना हो, शायद वहाँ के जो शेफ ने बोला कि मुझे ये चाहिए, तो हमेशा अपने दिमाग में दो तीन मेन्यू आना तो सब कुछ चाहिए. जिस कुजिन के लिए आप जा रहे हो तो उस चीज़ में एक्सपर्ट होंगे ही, पर मेन्यू भी अपने दिमाग में दो या तीन तो होने ही चाहिए. क्योंकि अगर आप मशरूम सोच के जा रहे हो कि मैं मशरूम कराऊंगा, बाद में वहां पे मशरूम हो ही ना फिर. हेलो, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? हेलो, यस. हेलो शेफ. यस सर. सो व्हाट आर द बेसिक क्वालिटी ऑफ अ गुड शेफ, लाइक क्या क्या दिल्ली, मतलब क्या क्या पॉइंट होने चाहिए टू बिकम अ गुड शेफ? गुड शेफ के लिए सबसे पहले पॉइंट होना चाहिए लीडरशिप, है ना. लीडरशिप, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कर रहे हो, एंड देन उसके बाद उसका टीम वर्क अच्छा होने चाहिए. गुड शेफ की जो क्वालिटी, उसका टीम वर्क अच्छा होना चाहिए. खाना तो बेसिकली उनका बेस है ही है, शेफ का जो बेस है वो तो खाना तो ऑलरेडी, जब शेफ बन जाता है तो ऑलरेडी उसके खाना, देन जो रेसिपी है, रेसिपी के हिसाब से जैसे फूड प्रिपेयर करना, तो वो तो एक शेफ के अंदर जो क्वालिटी होती है वो तो एक है ही है. पर जो उसके बाद जो क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब वो लीडरशिप होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, कि अपने टीम के साथ कैसे चले, टीम को मेंटेन कैसे करके रखें, किचन को मेंटेन कैसे करके रखें, हाइजीनिक प्रॉपर होना चाहिए एक शेफ के अंदर, है ना, कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, और रेसिपी के साथ मतलब कोई इधर उधर तो नहीं कर रहा. क्योंकि क्या है, आज की डेट पे यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ हर किसी के 10 रेसिपी बना रहा है कोई. होटल इंडस्ट्री में कैसे होती है, एक एसओपी बनी हुई रहती है, ये ऐसे बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं. रेस्टोरेंट में लाइन में शायद ऊपर नीचे हो जाता है कि आज ऐसा बन गया, कल वैसा बन गया, पर होटल के अंदर ऐसा नहीं होता कि आज वो दाल मखनी खाई है आपको तो शायद साल भर के बाद भी शायद वही दाल मखनी मिले, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है. ओके शेफ, ये शेफ के अंदर गुड क्वालिटी होनी चाहिए. ओके, थैंक यू शेफ. हेलो. हेलो. यस सर, मेरा नाम सनी है. ओके. और एक क्वेश्चन है सर आपसे, कि व्हाट अबाउट अपोजिट फूड सर, कि माय फादर टोल्ड मी कि फिश के साथ दूध नहीं पीते, इट इज ट्रू? या गुड क्वेश्चन. एक्चुअल में पहले के टाइम में क्या होता था कि जो हमारे मतलब बहुत पुराने जमाने में इसलिए बोलते थे क्योंकि जो दूध होता था, दूध एकदम से खराब हो जाता है. जैसे अगर आप दूध को बाहर रखेंगे तो दूध एकदम से खराब हो जाता है. जो सी फूड होता है, सी फूड भी एकदम से खराब हो जाता है. जो पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री खराब होने में थोड़ा टाइम लगता है. एंड देन जैसे मटन है, तो मटन भी मतलब मीट है, तो कोई भी मीट है तो उसको खराब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. पर जो सी फूड है, सी फूड को अगर हमें सही टेम्परेचर में नहीं रखेंगे तो एकदम से खराब हो जाता है, और दूध भी एकदम से खराब हो जाता है ना. पहले जमाने में ऐसा था कि मतलब एक ये भी मतलब एक हिस्ट्री है, मतलब स्टोरी टाइप की है, कि जब दोनों मतलब हमारे पेट के अंदर जाते हैं तो वो एकदम से गलत रिएक्शन करते हैं. उससे जब गलत रिएक्शन होता है तो बॉडी में एलर्जी टाइप की हो जाती है. एक ये भी है, बाकी आज की डेट में क्या है, ये सब कॉमन हो चुका है. हर चीज में दही, हर चीज में दूध, कोई भी नॉन वेज रहता है तो उसपे दही भी डालते हैं. आप जितनी भी तरह के बिरयानी खाते, बिरयानी का बेस भी दही है. तो हर चीज तंदूर का आप ले लो, ले लीजिए, हर मेडिसिन में उसपे दही जाता ही जाता है. पर ये एक टाइम में हमारे जो बुजुर्ग थे उनका भी ये राय था कि मतलब दोनों एकदम से खराब हो जाता तो गलत रिएक्शन होता है. फिश और चिकन का कोई कॉम्बिनेशन डिशेस है? हाँ, बहुत सारी डिशेस हैं, बहुत सारे कबाब्स हैं, देन इंडियन में भी है बहुत सारे. सर एक रेसिपी सर प्लीज दीजिए.
पेरेंट्स, जैसे आज की डेट पे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, देन चिकन ब्रेस्ट को अंदर स्टफिंग, फिश को कीमा करके उसके अंदर स्टफिंग करके उसको ग्रिल कर सकते हैं, या फिर फिश के बॉल बना सकते हैं, देन चिकन के बॉल बना सकते हैं, उसको बॉईल करके आप बिरयानी भी बना सकते हैं, देन पुलाव भी बना सकते हैं। थैंक यू सर। सर सर माय नेम इज यस यस हेलो सर। यस सर, बोलिए बोलिए सर। गिव मी सम टिप्स अबाउट न्यूट्रिशन इन कोविड रिलेटेड टू कोविड 19। न्यूट्रिशन टिप्स, हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या कंज्यूम नहीं करना चाहिए अबाउट दिस सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन टिप्स। एक बार न्यूट्रिशन टिप्स एक बार फिर से बोलेंगे। I'm talking about nutrition tips about present situation COVID-19 related. हमें कंज्यूम करना चाहिए क्या नहीं? या कंज्यूम करना चाहिए। एक्चुअल में हमें जैसे मॉर्निंग में हमें आज के जैसे आजकल बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम हमारा होना चाहिए, तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जैसे आप सुबह मॉर्निंग में जैसे जिंजर ले लिया, तुलसी, दालचीनी या लौंग, काली मिर्ची, इसका एक काढ़ा बना के अगर आप दो टाइम भी पियेंगे, और ये सजेशन तो हर किसी को करना चाहिए, आप लोगों को भी, मैं भी करता हूँ, बाकी होटल में भी मतलब हर किसी को यही पिला रहे हैं आज की डेट में, तो आप मॉर्निंग में जिंजर, अगर आपके पास तुलसी है तो अच्छी बात है, या मिंट, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, इसका एक काढ़ा बना के आप सुबह और शाम को लेना चाहिए, उसमें गुड न्यूट्रिशन। हेलो सर, इट्स सचिन देसाई सर। आई हैव आल्सो क्वेश्चन फॉर दिस पैनल। सॉरी सर, आई एम सचिन देसाई, आई एम आल्सो फ्रॉम फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। I have also a question of this paramedic situation. Paramedic situation. Sir, अभी जैसे कि ये situation में है ना, रोज कुछ नया आता है, जैसे कि अभी आपने कहा कि सुबह शाम दो टाइम काढ़ा पीना चाहिए, बीच में एक बार आया था कि वो शूट पाउडर मतलब जिंजर का पाउडर जो आता है वो लेना चाहिए, बीच में एक आया था कि च्यवनप्राश खाना चाहिए, उसके बाद आया था कि विटामिन सी कंज्यूम करना चाहिए, दही खाना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ जूसेस लेने चाहिए, मौसम्बी का, संतरे का, ऐसा। तो ये सब अगर हमने जो लिया तो उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है? नहीं, साइड इफेक्ट तब होता है जब हम कुछ ज्यादा ही ओवर ले लेते हैं। हमारी रेगुलर लाइफ में तो हम इतना सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने कभी च्यवनप्राश नहीं खाया, मैंने काढ़ा नहीं किया है, मैं रेगुलर ऐसे जूसेस नहीं लेता हूँ, तो एकदम से ये सब हम कंज्यूम करने लगे तो उससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, इस पे आपका क्वेश्चन है वो सही है। जैसे आप च्यवनप्राश की बात करें, च्यवनप्राश भी है उसके अंदर, बट क्या च्यवनप्राश एक कंपनी है, टावर की है या किसी भी चीज के, तो वो अपनी कंपनी का प्रचार कर रहा है, राइट? मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट वो एक जैसे रियल का जूस का भी आ रहा है कि उसमें भी इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, तो वो क्या हो गया एक तरीके से अपनी कंपनी का प्रचार। पर जो काढ़ा है कि मैं जैसे मैंने बोला कि काढ़ा पीना चाहिए, ये पहले से ही हमारे जो बुजुर्ग थे या फिर आयुर्वेदिक है उसपे भी ऑलरेडी है। आप जिंजर का पाउडर बोले तो ऑलरेडी उस पर जिंजर का पाउडर एकदम से नहीं ले सकते हो, आपको मतलब थोड़े प्रॉब्लम होगी उसको लेने में, तो आप फ्रेश जिंजर को करके उस पर ज्यादा विटामिन्स होते हैं। अगर आप पाउडर यूज करोगे तो पाउडर और फ्रेश जिंजर में बहुत फर्क होता है, तो पाउडर में कम रहते हैं और जो फ्रेश जिंजर है उसमें ज्यादा वो रहता है, तो आप फ्रेश जिंजर का ले सकते हैं। तो ये क्या, ये आयुर्वेदिक है ना, तो हमें क्या आयुर्वेदिक के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अभी तो आने वाले टाइम में तो कई वो बोलेंगे कि इसके भी इम्यूनिटी सिस्टम है, या टैबलेट लीजिए इसके भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी आप, क्योंकि तो आज की डेट पे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमें बढ़ाना कंपलसरी है, हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कम है तो हम पे वायरस जल्दी मतलब ग्रोथ करेगा, कम इफेक्ट करेगा,
तो हमें इम्यून सिस्टम बढ़ाना ही पड़ेगा, पर हमें वो करना पड़ेगा कि हम इसको लेने से हेल्दी। अगर आप सब कुछ लोगे तो गलत रिएक्शन हो गई होगा, आपको उनमें से एक चॉइस करना पड़ेगा कि हाँ, सबका देखना पड़ेगा कि अदरक में कितना है। अगर मैं लौंग ले रहा हूँ, लौंग खाने से क्या होगा, मैं तुलसी ले रहा हूँ तो तुलसी खाने से क्या होगा, है ना। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा पहले, और उसके बाद अपने शरीर में मतलब अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ लोगे तो नेचुरल सी बात है कि एलर्जी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो आपका माइंड सेटअप है कि आप अपना माइंड सेटअप किस तरह से करते हैं। वैसे ऐसा क्या हुआ था कि मेरे जो अंकल है वो रेगुलर में तो ऐसा कुछ च्यवनप्राश या विटामिन सी ऐसा कुछ लेते नहीं थे, फिर इसी वजह से उन्होंने काढ़ा लेना शुरू किया सुबह और शाम को। वो पहले नहीं लेते, उनको गले का इन्फेक्शन हो गया और इतना सीवियर इन्फेक्शन हो गया कि कोई दवाई से नहीं आ रहा था। बाद में लास्ट में उन्होंने स्टीरॉइड लेना पड़ा, तब वो अच्छा हुआ। और अब जानती है कि स्टीरॉइड इतना अच्छा चीज है। हाँ, आपके जो अंकल की बात कर रहे हैं आप, तो मतलब आप वो तो फिर उनका कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज रहा होगा। बाकी एक बार मतलब अगर कोई नॉर्मल है, जैसे मैं अभी नॉर्मल फिट हूँ तो मैं ले सकता, बट अगर मुझे कुछ इशू है या फिर कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज होती है, किसी को थायराइड होता है, किसी को कुछ भी होता है, एक्सपेक्ट कोई भी बीमारी हो, तो उसको डॉक्टर से एक बार सजेशन लेना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। स्टूडेंट्स, वन मिनट, स्टूडेंट्स, रिचा, खुशबू एंड रिचा एंड निधि, अदर स्टूडेंट्स, यू आस्क द सेम, इट इज बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, यू हैव दैट बिकॉज ऑफ दैट यू आस्क टू योर क्वेरी। वैसे कोई जैसे राजेश ने पूछा था कि भाई शेप ये डिश में कैसे हो सकता है, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ चिकन एंड फिश, यू कैन आस्क योर क्वेरी, ही इज अ एग्जीक्यूटिव शेफ एंड ही हैव अ मोर देन 15 इयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड, डोंट मिसिंग फॉर दैट। रिचा, यू कैन आस्क रिचा, खुशबू, निधि एंड एनी अदर्स फूड प्रोफेशनल पर्सनल। शेप, कंटिन्यू। सेफ, मेरा एक और क्वेश्चन थे सेफ, मेरे पास पांच से मतलब 7 मिनट है, और उसमें मुझे कोई तंदूर पे स्वीट और डेजर्ट मतलब कुछ भी मतलब मीठा में बनाना है, डेजर्ट में मैं क्या बना सकता हूँ तंदूर में? आप उसपे अगर आपके पास तंदूर रेडी है तो आप उसपे तंदूर में कंधारी नान बना सकते हैं, कंधारी नान बना सकते हैं, मालावरी पराठा बना सकते हैं, है ना, स्वीट पोटेटो बना सकते हैं आप उसपे, 5 से 7 मिनट पे हो जाए। और सर मैं मतलब नान वगैरह जब बनाऊंगा स्वीट में तो उसे मैं डेजर्ट में प्रेजेंट कर सकता हूँ ना, डेजर्ट मेनू में? लाइक राइट, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं डेजर्ट में। जैसे आपका कांधारी नान रहेगा, जो उसका डो रहेगा, आप मैदा लगाएंगे उस पे, तो आपका वो डो क्या रहेगा, जो बेस रहेगा डो का वो स्वीट रहेगा, देन उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट एंड देन मावा रहेगा उसमें। और सेफ मेरा एक कंफ्यूजन है, मैंने एक टाइम सेफ को देखा था बनाते हुए गुलाबी मटन गुलाबी सीख कबाब, तो उनका उनका जो मटन गुलाबी सीख कबाब जो नाम थे, तो मतलब बनाए कैसे थे, मतलब उसके अंदर मैंने गुलाबी नहीं है, उसका गलाफी है, मटन गलाफी सीख कबाब, गुलाबी नहीं गलाफी है। मटन गलाफी सीख कबाब लखनऊ से आया है ये, है ना, ये कभी किसी टाइम में गलाफी मतलब जो उसके अंदर बाहर से जो कैप्सिकम लगाते हैं, रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम लगाते हैं, तो मतलब एक उसको मतलब एक फूल का वो दिया गया कि एक मतलब अच्छा सा लगता है, खिलता है मतलब वो बाहर से ना, कि जैसे फूल कैसे खिलते हैं मतलब लाल पीले हरे नीले ऐसे होते ना, तो उस तरह से जब मटन के बाहर से वो लगाते हैं रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम लगाते हैं चॉप फाइन चॉप किया हुआ, तो वो क्या मतलब एक अट्रैक्शन लगता है उसको। Yes sir, thank you sir. किसी कोई और कुछ पूछना चाहता है पर्सनल या फिर कुछ भी कोई रेसिपी या शेफ? I am Sachin Desai also again. कभी-कभी सर कस्टमर हमारे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं होता है या क्वालिटी का आउटपुट देते हैं उसका पोर्शन से,
उसको कॉफ ज्यादा लगता है और पोर्शन कम लगता है, तो उस टाइम पे अगर कोई कंप्लेन आई तो हम क्या कर सकते? देखो जब रेस्टोरेंट चलता है तो उस रेस्टोरेंट में कई तरह के गेस्ट आते हैं, है ना। पहले तो कैटेगरी में रहते हैं कि हाई कैटेगरी, लो कैटेगरी, मिडिल कैटेगरी, तो उसमें भी मतलब कई गेस्ट होते हैं कि पैसे ज्यादा है या पैसे ज्यादा है, बट उस समय हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम जो खाने के पैसे ले रहे हैं, हम खाने के पैसे कम ले रहे हैं, हम सर्विस के ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हम उसको प्रॉपर हाइजीनिक तरीके उसको कस्टमर को समझाना पड़ेगा उस समय कि हम देखिए, अगर एग्जांपल के लिए मैं पनीर बटर मसाला है, पनीर बटर मसाला मेरे पास 350 रुपए का, अगर मैं आप इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए पनीर बटर मसाला 100 रुपए के मिल जाए, पर वो प्रॉपर हाइजीनिक नहीं होगा, है ना। किचन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, किचन क्लीन उनका ढंग से नहीं हो रहा होगा, प्रॉपर सर्विस नहीं हो रही होगी, जो जिस प्लेट में वो खा रहे होंगे या फिर जिस बॉल में रहे प्रॉपर ढंग से वॉश नहीं हुआ होगा, किस टेम्परेचर में उसको वॉश करना है, पानी का टेम्परेचर कौन सा है, उसका लिक्विड कौन सा यूज करें। तो हम कोई भी 5-star होटल, 3-star होटल, 4-star होटल, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस के ज्यादा चार्ज लेते हैं, खाने के तो लेते ही लेता है पर सर्विस के ज्यादा चार्ज लेते हैं, क्योंकि अपनी सर्विस बेस्ट दे रहे हो। और जो भी मतलब गेस्ट रहता है उसको ये भरोसा दिलाना पड़ता है कि आप जो भी खा रहे हो एकदम सेफ खा रहे हो, ये बन के तो आया है बट एकदम प्रॉपर ढंग से बन के आया है, और आपको मतलब उसको खाने के बाद मतलब ऐसे कोई गलत वो नहीं रहेगा, तो हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सेफ जैसे कई बार, हेलो हेलो, जैसे कई बार होता है कि हम लोगों का जो भी स्टैंडर्ड होता है एज पर द SOP हम लोग वो डिश सर्व करते हैं कस्टमर को, लेकिन स्टिल जैसे अभी सचिन ने बोला था कई बार जाने मतलब हमारा और से परफेक्ट होता है लेकिन फिर भी गेस्ट उसमें मिस्टेक निकालते हैं, तो इसमें फिर कैसे कस्टमर को क्या आंसर रिप्लाई करना चाहिए, और ये एक्चुअली F&B आंसर देता है या फिर फूड प्रोडक्शन? राइट, अगर उस पे ऐसा रहता है कि अगर माने कि एग्जाम्पल के लिए आप गेस्ट हो कि आपको मतलब कोई चीज पसंद नहीं आए, तो फिर आपको उसको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब गेस्ट से बात करके कि आपको मतलब किस तरह का खाना पसंद है, क्योंकि क्या है कई लोग मतलब बाहर खाना खाते हैं, ज्यादातर बाहर खाना खा लिया तो उनका टेस्ट हमारा टेस्ट अलग रहता है ना। तो उसको क्या है गेस्ट से बात करके उसके मतलब उसको वहाँ पे सर्टिफाई करना पड़ेगा कि इस तरह के अगर आपको ये पसंद नहीं है, तो हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है ना, तो उसको कुछ दूसरा प्रोवाइड करके उस तरह से उसको कर सकते हैं। सर इनकी जो इसमें जो फॉल्ट रहेंगे वो किनका मतलब होंगे, मतलब फूड प्रोडक्शन वाले का या फिर सर्विस वाले का? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर खाना बना के देते हैं और मतलब जो हमारा सीनियर शेफ होते हैं वो भी टेस्ट करते हैं तो डन रहता है, बट आगे से कस्टमर का कंप्लेन आता है कि नहीं ये प्रॉपर नहीं है, तो उसमें हमारी गलती है या फिर सर्विस की या फिर गेस्ट की, मतलब किनकी गलती हम ले सकते? देखिए उसमें देखो जो गलती है, गलती तो मैं ये नहीं बोल सकता कि किसी एक की है, समय के सिचुएशन कैसी है, किस तरह से सिचुएशन है। कई बार क्या होता है कोई जो गेस्ट रहता है, गेस्ट मतलब कोई जान बुझ के भी करता है ना, कि मतलब कुछ और प्रोवाइड करा दे या कुछ परसेंट मतलब डिस्काउंट करा दे इस तरह से, तो गलती उस टाइप की वो सिचुएशन के हिसाब से कह सकते हो, पर ऐसा किसी को नहीं बोल सकते कि गलती एक की है। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Hello. Chef, sir. Good morning. Good morning. Chef, actually, good afternoon, sir. कोई कबाब जो तंदूर के स्पेशल है? Actually, I want to ask a question. Okay. My name is Jane Richa, and I'm working as a third commie in Avadh Utopia Club. So I want to ask, what will be the scenario of hotels after the hotel will reopen, and what changes we will see in hotels now? Yeah, jab recently jo hotel opening rahegi na, yeah, covid 19 ke baad jo bhi recent opening rahegi kafi tough hone wali hai actually. Mein pehle to staffing ka hi rahega ki staffing मतलब कम से कम रहे, देन उसके बाद अभी बहुत ही टफ होने वाला है कि मतलब गेस्ट को हमें भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आ रहे हो सेफ हो, कि हम किचन में या सर्विस में या फिर रिसेप्शन में
हर एक्स वाई जेड हर जगह में, मतलब हम पूरी सेफ्टी के साथ उनका ख्याल रखते हैं। आप आने वाले टाइम में अभी जैसे डिजिटल मेन्यू हो जाएगा है ना, जो हार्ड कॉपी मेन्यू रहता था वो नहीं रहेगा है ना, और सोशल डिस्टेंसिंग का रखेंगे कि 6 फीट की दूरी होनी चाहिए एक टेबल से दूसरे टेबल तक की है ना, हर चीज सैनिटाइजर होके आ रही है। तो अभी की जो होटल इंडस्ट्री जो अब जो ओपन होगी वो काफी चेंज हो जाएगी, और सबसे मेन है कि हमें गेस्टों को भरोसा दिलाना होगा कि हम जो दे रहे हैं, हम जो बना रहे हैं, हमारे होटल में कोई भी खाना खा रहा है या हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी खाना खा रहा है वो प्रॉपर 100% सेफ है। जैसे मैंने इससे पहले भी बोला था कि अभी के टाइम में हम कुछ भी ग्रोसरी आइटम ले रहे हैं या फ्रूट ले रहे हैं या वेजिटेबल ले रहे हैं या नॉन वेज ले रहे हैं तो उसको हमें क्वारंटाइन करना पड़ेगा 72 आवर्स, उसके बाद उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने HACCP का ट्रेनिंग रखा था कि ताकि समझ में आए कि अब इसके बाद होटल इंडस्ट्री में बिना HACCP के काम नहीं होगा। भाई कई जगह काम करते थे कई जगह नहीं करते थे, तो अभी क्या HACCP कंपलसरी है कि HACCP से ही काम होगा। ओके थैंक यू शेफ। शेफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव शेफ एंड मिशेलिन शेफ? एग्जीक्यूटिव शेफ एंड मिशेलिन शेफ लाइक यहां पे हम मिशेलिन शेफ लाइक जैसे इफ आई एम मिशेलिन शेफ जैसे संजीव कपूर विकास खन्ना दे आर बोथ एग्जीक्यूटिव शेफ एज वेल एज मिशेलिन शेफ, सो दे आर सेम और देयर आर डिफरेंस बिटवीन मिशेलिन शेफ एंड एग्जीक्यूटिव शेफ? नो, जैसे संजीव कपूर है, संजीव कपूर भी कभी किसी टाइम पे एग्जीक्यूटिव शेफ रहे थे है ना, बट उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब जैसे प्रमोशन करते गए या फिर अपने मतलब जैसे यूट्यूब चैनल बना लिया, यूट्यूब में उनको पॉजिटिव रिस्पांस आने लगा, उनकी रेसिपी सब अच्छे करने, तो इस तरह से धीरे धीरे एक सेलिब्रिटी शेफ बन जाते। जैसे कुणाल शेफ है, रणबीर बरार है आज की डेट में जो मतलब हाई उस पे है ना, शेफ पंकज है ना, तो वो क्या है मतलब वो भी कभी किसी टाइम में थर्ड कॉमी काम किए हैं, कभी हेल्पर काम किए हैं, उसके बाद कुछ बने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आज की डेट पर रणवीर बरार है, तो रणवीर बरार भी आने वाले टाइम में शायद अच्छे शेफ है, वो भी आज की डेट पे मैं भी उनको मानता हूँ, बट उन्होंने भी क्या कभी किस टाइम पे मेहनत किया था, और पहले वो बहुत पहले गोवा में लीला में भी एग्जीक्यूटिव शेफ रहे हैं। कुणाल शेफ है, वो भी लीला में काम किए हैं, वो भी वहाँ पे स्टूट शेफ तक मेरे को पता था वहाँ पे स्टूट शेफ थे वहाँ पे उन्होंने दिल्ली में। तो उसके बाद क्या धीरे धीरे जैसे सेमिनार अटेंड किए, अपनी अपने आप को मतलब जिसको जितनी नॉलेज रहती है, जो जितना मतलब फूड को जब तक पैसन के हिसाब से लेंगे ना, जब तक हम पैसन नहीं डालेंगे उसके अंदर, तब तक हम सेलिब्रिटी शेफ नहीं होगा। शेफ तक तो बन जाएंगे, पर धीरे आगे सेलिब्रिटी शेफ बनने के लिए हमें सेमिनार करने पड़ेंगे, अपनी कुकिंग क्लासेस करनी पड़ेगी ताकि लोग हमें जाने। अगर जैसे ओके थैंक यू शेफ। और शेफ दाल सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू अगेन। जैसे कि दाल मखनी हमारे इधर का ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल डिशेस है, डिश है, तो सिर्फ मैं उनको मतलब कुछ और तरीके से मतलब बॉन्डिंग कैसे कर सकता हूँ, मतलब मॉडल भी मैं कैसे बना सकता हूँ, उसके अंदर कुछ ऐड करके या फिर ऐसा कुछ कर सकता हूँ? ऐड कर सकते हो आप, क्या मैं ऐड कर जैसे दाल मखनी, देखो दाल मखनी की 2-3 रेसिपियां चलती है मतलब पूरे इंडिया में, या पूरे बोलूँ तो हर शेफ की अलग अलग रेसिपी है। कोई सिर्फ दाल मखनी को कोई इस पे चना दाल ऐड करता है ना, तो जो अगर दाल मखनी कोई खाने आ रहा है क्योंकि हर कोई मतलब इंडिया में है, जैसे इंडिया में जो भी रहे तो हर किसी को पता है दाल मखनी कैसे होती है, हल्की स्वीट होती है, रिच होती है ना, तो आप अगर उस पे अपने जब आप कुछ किसी बड़ी पोजीशन में रहते हो तब आप उसे चेंज करते हो, तो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए कि अगर मैंने इस पे एग्जांपल के लिए जैसे ऐसी बोलो कि मैंने उस पे मूंग दाल डाली है, तो मैंने मूंग दाल क्यों डाली, इससे ये होगा इससे ये होगा, तो आपको पहले क्या एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आपने कुछ चेंज किया अच्छी बात है, बट इससे क्या टेस्ट आएगा, इससे क्या होगा। जैसे कई लोग राजमा ऐड करते हैं, ठीक है, राजमा भी ऐड होता है, कई लोग चना दाल ऐड करते हैं ताकि उसका थिकनेस रहे, दाल मखनी अलग अलग दाल ना हो जाए। कई लोग उसको दाल को पहले मस्टर्ड ऑयल से और विनीगर के पानी से उसे वॉश करते हैं ताकि जो उसके जो बाहर के जो छिलके हैं वो खत्म हो जाए,
ताकि मुंह में छिलके छिलके ना आए, जो ओनली फॉर जो दाल के अंदर का जो बल होता है वो ही आए। तो आप उसको चेंज कर सकते हो, चेंज करना कोई वो नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि दाल मखनी हर किसी को पता है कि दाल मखनी का टेस्ट क्या है। तो सेफ तो मतलब सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन किसका रहेंगे, मतलब किसके साथ आएगा दाल मखनी का, और मतलब उसको अगर मैं करता तो मैं मतलब कैसे प्रेजेंट करूंगा, मतलब मुझे अभी आइडिया नहीं है, तो सिर्फ मैं आपसे चाहता हूँ कि मतलब मुझे आइडिया मिले तो मैं उसे बनाऊँ और उसके बारे में थोड़ा देखूं भी क्या है। दाल मखनी देखिए, जो हमारी जो रेसिपी है वो मैं तो प्रॉपर मतलब उस पर जैसे ब्लैक दाल ले ली, उस पर 100 ग्राम चना दाल डाल दिया, 100 ग्राम राजमा डाल दिया, देन उसको ओवरनाइट उसको सोक किया, सोक करने के बाद उसको अच्छे तरीके से उसको वॉश किया कि जो उसका जो कालापन है, काला जो पानी निकलेगा उसका, वो प्रॉपर ढंग से साफ हो जाए, देन उसको ओवरनाइट हम पकाते हैं। जैसे घर में तो नहीं पका सकते हैं, घर में तो सिटी में पकते हैं या फिर और ओवरनाइट होटल में हम उसे तंदूर में पकाते हैं। तो दाल मखनी एक दिन में नहीं बनती है, दाल मखनी के लिए मतलब 24 आवर्स लग जाते हैं। आप उसको प्रेजेंट जैसे जो उसका मैंने भी इतने होटलों में काम किया, तो सबसे ज़्यादा मतलब प्रिपेयर उसको दाल मखनी को या तो लच्छा परांठे के साथ या तो बटर नान के साथ आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, स्टीम राइस के साथ भी कर सकते हैं। सिर्फ 100 ग्राम राजमा और 100 ग्राम चना दाल, मतलब कितने ब्लैक दाल में डालना है? 1 kg लेना है, 1 kg ब्लैक दाल में 100 ग्राम सिर्फ। इससे मतलब मतलब जब मुझे मतलब आपने आप क्वेश्चंस करोगे कि आपने क्यों डाला है, तो मैं मतलब उस टाइम क्या आंसर दूंगा, मतलब क्या है, क्या मतलब क्यों मैंने ऐड किया है? राजमा के अंदर ग्लेज होता है, राजमा कभी भी आप देखोगे तो राजमा के अंदर ग्लेस होता है। जो चना दाल होती है, चना दाल के अंदर भी ग्लेस होता है। जो अभी हम ज्यादा अगर उस पर डालेंगे तो एकदम से वो पूरी ग्लेस वाली दाल बन जाएगी, तो उसको इसलिए ज्यादा नहीं डालते हैं। तो राजमा और चना दाल इसलिए डालते हैं ताकि ग्लेस आता है और उस पर थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होता है और थोड़ा उस पर रिच बनाता है, रिचनेस होती है दाल, क्योंकि दाल मखनी सुनते साथ ही मतलब एक रिचनेस वाली फीलिंग आती है कि हाँ दाल मखनी खाना मतलब एक रिचनेस खाना है, हैवी प्रोटीन लेना, कि आप कोई और चीज नहीं खा सकते तो दाल मखनी एक ही बॉल खा सकते हो उसको, आपको पक्का कि उसके अंदर क्रीम भी जाएगी, देन बटर भी जाएगा और कसूरी मेथी भी जाएगी, तो ऑलरेडी उस पे क्या होती है रिचनेस आ जाती है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, माय सर यस शेफ, तंदूर में कसूरी कबाब बहुत फेमस है, तो हम उसकी बाइंडिंग के लिए चना पाउडर यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? हाँ, जैसे काकोरी कबाब बहुत फेमस है, ये लखनऊ की डिश है ना कबाब, आप चना पाउडर जैसे यूज कर रहे हैं चना पाउडर भी यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर वैसे चना पाउडर नहीं है तो जो आपके पास चना दाल है येलो वाली, आप उसको थोड़ा सा टोस्ट करके उसको भी वो कर सकते हो, उसकी बाइंडिंग कर सकते हो, ब्रेड क्रम की बाइंडिंग कर सकते हो, कॉर्नफ्लोर की बाइंडिंग कर सकते हो। अगर नहीं है आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं, तो आप हल्का सा, ज्यादा नहीं हल्का सा मैदे की भी बाइंडिंग कर सकते हो। आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है तो उसे डालते नहीं है, पर अगर इमरजेंसी में डालता आप पोटैटो की बाइंडिंग कर सकते हो। और शेफ जैसे अभी आने वाले टाइम में बोल रहे हैं कि कंपलसरी मास्क होंगे होटल इंडस्ट्री में, तो एक और था कि कुक विद स्माइल एंड सर्व विद स्माइल, तो वो तो गायब ही हो जाएगा, तो उसके लिए और हमको कम्युनिकेशन करना है अगर गेस्ट से, हम जैसे शेफ फीडबैक लेने आ रहा कि कैसे लगे, तो अब उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए इसीलिए तो पहले बोला मैंने आपको कि हमें गेस्ट को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हमारा होटल सेफ है। अगर हम मास्क अभी पहनना कंपलसरी हो गया है, सबसे ज्यादा किचन में टफ होगा, क्योंकि खाना हम खाना खिला रहे हैं दूसरों का, अगर हम किचन में बनाते समय भी मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या पता हमारी जो बैक्टीरिया है वो खाने में चले जाए, तो हमारे मुंह से बैक्टीरिया निकले वो खाने में चले जाए। अभी क्योंकि पता नहीं लग रहा है कि कौन बीमार है, है ना, तो इसलिए क्या वो तो थोड़ा मतलब करना ही पड़ेगा। तो हमको मतलब पता कैसे, फ्लेवर कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सी फ्लेवर आया है इनका, या फिर जैसे मैं 2 बार कढ़ाई बना दिया तो कढ़ाई में एक बार मतलब थोड़ा कढ़ाई फ्लेवर आया, थोड़ा मतलब स्मोकी फ्लेवर एक में नहीं आया, तो फिर मतलब मुझे ऐसे मतलब ये कैसे मतलब मालूम पड़ेगा? राइट, अगर जैसे आप रेंज में खड़े हो, एग्जांपल के लिए आप कढ़ाई पनीर ही बना रहे हो,
ठीक है, कढ़ाई पनीर बनाने के बाद आप उसको चम्मच में लीजिए और चम्मच में जाके थोड़ा साइड में जाके आप उसको वहां पे चेक कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा अपर साइड में जाके वहां पे आप उसको वहां पे चेक कर सकते हो। पर पहले में क्या होता था, पहले बना रहे हैं और चेक कर रहे हैं, अभी वो नहीं है, अभी वो ट्रेंड खत्म हो गया है। अभी आप चम्मच में लेके थोड़ा सा साइड में जाके तो वहां पे चेक करोगे आप इस पे क्या चीज की कमी है। बट से किचन में तो हमारे पास इतना टाइम होते नहीं है कि हम मतलब रेंज छोड़ के दो मिनट के लिए भी साइड में या पांच सेकंड के लिए भी जाए। आप आपकी बात बिल्कुल सही है कि टाइम नहीं होता है, पर अभी हमें क्या है, हमें गेस्ट को सेफ्टी दिलानी है पहले। अभी हमें अपने आप को सबको करके हमारी जो हैबिट है, ठीक है, अभी किसी की 5 साल से हैबिट होगी, किसी की 10 साल से हैबिट होगी, किसी के 2 साल से वही हैबिट, तो हैबिट को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हमें वो करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपलसरी हो गया। हम किसी गेस्ट को मतलब आज की डेट पे जैसे एग्जांपल के लिए केक है ना, अभी बर्थडे मना रहे हैं कोई, तो अभी क्या केक मतलब जो मोमबत्ती कैंडल लगाते हैं उसमें, तो अभी शायद वो कैंडल भी अगर कोई समझदार होगा तो कैंडल भी नहीं लगाएगा, क्योंकि इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि वो फूक मारेगा उसमें, तो फूक मारेगा तो क्या पता उसको कोई वायरस तो ना हो, है ना, तो जब वो फूक मारेगा तो उसको जो वायरस है वो केक में जा सकते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से वो कैंडल भी नहीं, तो हमें तो गेस्ट को तो करना पड़ेगा ना सेफ, गेस्ट को भी सेफ है, स्टाफ भी सेफ है। कोई भी सी फूड या फिर मीट, हम इससे कोई स्वीट बना सके, जैसे मैंने एक बार ट्राई किया था मटन के गुलाब जामुन, परफेक्ट बने थे, सॉफ्ट आए थे, टेक्सचर अच्छा था उसका। एक्चुअली मटन के गुलाब जामुन नहीं होते हैं, मटन मटन का एक कश्मीर में डिश होती है, ठीक है, तो गुलाब जामुन की तरह ही बनती है, तो वहाँ की जो फेमस डिश है वहाँ पे हर शादियों में खाते हैं, ठीक है। तो मटन का आप हलवा बना सकते हो, चिकन का हलवा बना सकते हो, उसको पहले एक बार उसको विनीगर में उबाला, उसको पूरा मैश करके जैसे मिंस करके उसको पूरा विनीगर में उबाला, उसको उबालने के बाद उसको वॉश किया ठंडे पानी से, फिर उसको दूध में एक बार पकाया, फिर उस दूध को भी मतलब उसको वॉश किया, फिर उसके बाद उसको दूध में पकाना है, उसमें इलायची पाउडर कंपलसरी होगी, केवड़ा वाटर कंपलसरी होगा, गुलाब जल कंपलसरी होगा, अगर आपके गुलाब पैटर्न्स है आपके पास तो आपके पास गुलाब पैटर्न्स भी कंपलसरी होने चाहिए, अगर गुलाब पैटर्न्स नहीं भी है तो गुलाब जल से भी हो सकता है, ड्राई फ्रूट से कंपलसरी होगा, तो आप नॉनवेज का भी बनता है हलवा, स्वीट डिश भी बनती है नॉनवेज का। आपने बोला कि पहले चिकन को या फिर मटन को मैंने चॉप कर लिया, फिर उसे बॉईल किए गरम पानी में विद विनेगर के साथ, विद विनेगर के साथ, यस, और देन अगेन मिल्क में बॉईल करना है, अगेन उसको एक बार वॉश करके फिर अगेन उसको आप इस पे कर सकते हो मिल्क में, फिर एक बार उसको मिल्क में वॉश किया, मतलब मिल्क में उसको उबाला मींस को, फिर उसके बाद उसको दोबारा दूध में ही पकाना, स्ट्रेन करके फिर दूध में उबालना, हाँ फिर दूध में उबाल। ओके सर, उसे आपने जो बोला अभी कश्मीर का कुछ मटन का डिश बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, रिश्ता और गुस्तावा, रिश्ता कैसे होता है वहाँ के, जो हर शादियों में हर उस पे वहाँ पे रिश्ते रहते हैं, मतलब रिश्ते ऐसे गुलाब जामुन के तरह जो ये बोल रहे हैं, तो ऐसे गुलाब जामुन के रिश्ते रहते हैं, वो मतलब ऐसे जाते शादी वो मतलब एकदम से घुल जाते, जैसे गुलाब जामुन मुंह में घुल जाता है, वहाँ पे रिश्ते और गुस्तावा नाम की दो डिशेज है कश्मीर की, बहुत फेमस डिशेज है, तो हर गली में या हर शादी में वो कंपलसरी रहता है, जैसे हमारी इंडिया की शादी में जैसे कैसे होता है कि दाल कंपलसरी है, तो वहाँ पे वो रिश्ते गुस्तावा कंपलसरी है। इसका थोड़ा रेसिपी थोड़ा दे दीजिए। तो रिश्ते गुस्तावा है वो एक्चुअल में क्या है, बन सकते घर में, ये नहीं बोला कि नहीं बन सकते घर में, पर उसको क्या है उसकी बहुत लंबी प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है कि आपको फ्रेश मीट लेना पड़ेगा, मीट लेने के बाद आपको एक पत्थर लेना पड़ेगा, पत्थर में एक लकड़ी का हथौड़ा होना चाहिए, तो उसके जो चंक्स है उस चंक्स को लकड़ी के हथौड़े से पीट के उसको एकदम मैश कर देना है, फिर जो उसका फैट है फिर वो लकड़ी के हथौड़े से पीट रहे हैं, तो उसको बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसकी करी बनाते हैं, फिर जाके उसको सर्व करते हैं।
तो जो उसका फैट रहता है उसके फैट से वो सॉफ्टनेस आ जाती है उसके अंदर, और उसको सेब जब करी बनाते तो करी के अंदर जब वो मटन डालते तो उसको बाउल बना के डालते या फिर ऐसे ही बाउल बना के, जैसे गुलाब जामुन बोल ना अभी गुलाब जामुन की तरह ऐसे छोटे छोटे बॉल बना के जो रिश्ते रहते हैं वो छोटे छोटे गुलाब जामुन के लिए बनते हैं, और जो गुस्तावा होता है गुस्तावा थोड़ा बड़ा बनता है जैसे बाटी होती है तरह से उसके चार करके, और उसकी ग्रेवी अलग होती है वो कट बेस में उसकी ग्रेवी होती है, और जो रिश्ते की ग्रेवी होती है वो करी बेस में होती है। Students, any new question for anybody? It is not a recipe class, yaar. You are everybody asking the recipe and recipe. Sorry, just sir. Just share the knowledge. Recipe, you can go for YouTube also. You can go for YouTube. You can ask your difficulties. ये भाई color जैसे आपने बोला yellow हो जाता है, उसको क्या करे? It is okay. But you don't ask for the recipe for waste the shape time. Because of that you asking for difficulty. जो आप cook करने जाते हो, prepare करने जाते हो, नहीं होता है तो शेफ आपको guideline देंगे. Recipe बोलोगे तो खत्म वक़्त. Shape any questions for anybody? Or then other guys finish the classes. क्योंकि शेफ का भी काफी काम होगा. Right, right, sir. कोई questions है students आपका और? Yes, sir. कोई question है तो? एक question है. Okay. Yeah, yes. Yes. Asha, what are the future trend of the food industry? Right. Like future trend. Time था जब Chinese बहुत famous था. हाँ. तो अभी एक कोई future trend? As per your guidance, as per your knowledge. Yeah, मेरी knowledge के हिसाब से future trend ऐसा रहेगा कि मतलब जैसे Chinese भी है ठीक है, but अभी कुछ बोल नहीं सकते मतलब इस बारे में क्योंकि अभी मतलब हर जगह मतलब ऐसा है कि मतलब जैसे रेस्टोरेंट है या कहीं भी है, हम चाइनीज की बात कर रहे हैं तो चाइनीज भी पहले एक टाइम पे बहुत चलता था, अभी आने वाले टाइम में मतलब उसको कुछ बोल नहीं सकते मतलब ऐसा कि क्या होगा फ्यूचर ट्रेंड, ये किस तरह से इंडस्ट्री चलेगी वो धीरे धीरे। शेप अभी हम लोग क्लास फिनिश करते हैं हरेक हमारा एक्चुअली दैट थैंक्स फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड कंडक्टिंग द सेशन ऑफ आवर एलआईएम स्टूडेंट्स, योर व्यूज वेयर ऑफ अटर इंपॉर्टेंट टू अस, थैंक यू शेफ, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू शेफ, दो मिनट व्हेन यू रिक्वायर्ड योर हेल्प डेफिनेटली आई डिस्टर्ब यू फ्रॉम एलआईएम एंड वी आर that very very thankful for sharing your views and utter importance to us.